हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वोट बैंक की राजनीति करते करते कांग्रेस परास्त हो गई, जीरो की ओर आगे बढ़ रही है, तब भी कांग्रेस से वोट बैंक की राजनीति नहीं छोड़ रही है। निर्दोष लोग निर्दोष होते हैं, मरने वाले लोगों की मौत मौत होती है, मरने वाला कोई भी क्यों न हो, सीने में दर्द होना चाहिए। मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना।